सियासत से अलग यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है विकास दुबे। लेटेस्ट अपडेट यह है कि वो दिल्ली के आसपास कहीं छिपा हो सकता है। नोएडा में भी छापेमारी हो रही है। 8 पुलिस वालों के कातिल विकास पर इनाम बढ़कर अब 5 लाख रुपए हो गया है। 2 जुलाई से पहले विकास दुबे का नाम बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा। आज वो यूपी का मोस्ट वॉन्टेड नंबर 1 है। इनाम 5 लाख रुपए। अब इस इनामी राशि के साथ पहचान लीजिए 8 पुलिस कर्मियों की बेरहमी से हत्या करने वाले विकास दुबे को। ये 5 लाख की इनामी राशि बहुत कुछ बता रही है विकास दुबे के गुनाहों के बारे में, उसके हिस्ट्री शीट के बारे में, किस तरह वो यूपी का मोस्ट वांटेड बन चुका है, कैसे उसकी तलाश में 6 राज्यों में 50 से ज्यादा पुलिस की टीमें जुटी हुई है। क्योंकि आज की डेट में 5 लाख का इनामी अपराधी उत्तर प्रदेश में और कोई नहीं। हम आपको यूपी के उन अपराधियों के बारे में भी बताएंगे जिनके सिर्फ 5 लाख का इनाम रखा गया, उनकी हिस्ट्री शीट क्या थी और उनका मौजूदा स्टेटस क्या है। लेकिन उससे पहले विकास दुबे, जो एक हफ्ते पहले 25,000 का इनामी बदमाश था, अब 5 लाख का इनामी दुर्दांत अपराधी बन चुका है। इनामी राशि 25,000 से 50,000 हुई, फिर 50,000 से 1 लाख रुपए की गई, उसके बाद 2.5 लाख और फिर 8 जुलाई को इनामी राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। 2 जुलाई की रात बिकरू हत्याकांड के हो जाने के बाद से लगातार विकास दुबे फरार चल रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन पर खासा दबाव है। बताया ये भी जा रहा है कि विकास की गिरफ्तारी अब तक न होने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे नाराज बताए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए चौथी बार विकास दुबे के ऊपर धनराशि जो बढ़ाई गई है इनामी, उसको चौथी बार बढ़ाया गया है और वह धनराशि 50,000 से बढ़ करके 5 लाख पहुँच चुकी है। ऐसे में विकास दुबे अब यूपी का सबसे ज्यादा इनामी राशि वाला भगोड़ा अपराधी बन गया है। विकास दुबे के सिर 5 लाख की इनामी राशि ये भी बता रही है कि वो किस तरह पुलिस की 50 से ज्यादा टीमों को चकमा दे रहा है। कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस टीम पर हमले में जो उसके साथ थे वो पकड़े गए। उसका दाहिना हाथ माना जाने वाला शार्प शूटर तक मारा गया। अमर दुबे राइट हैंड मारा गया। अतुल दुबे चचेरा भाई मारा गया। प्रेम प्रकाश पांडे मामा मारा गया। प्रभात मिश्रा गिरफ्तार। दयाशंकर अग्निहोत्री गिरफ्तार। श्याम वाजपेयी गिरफ्तार। जहान यादव गिरफ्तार। संजीव दुबे गिरफ्तार। लेकिन विकास दुबे का कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है। पुलिस को एक सुराग मंगलवार की दोपहर फरीदाबाद में मिला था। खुफिया सूचना थी कि विकास दुबे के एक होटल में जाने की, जहां डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने की वजह से कमरा नहीं मिला। उसके बाद फरीदाबाद में ही एक रिश्तेदार के यहां जाने की खबर मिली। लेकिन पुलिस जब तक वहां पहुंची, उसके गुर्गे और पनाह देने वाले रिश्तेदारों को धर दबोचा। विकास दुबे फरार हो चुका था। उसकी एक तस्वीर घर से 2 किलोमीटर दूर के एक रेस्टोरेंट के बाहर सीसीटीवी में दिखी, जिसमें वो ऑटो से जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, 2 जुलाई की रात के बाद विकास दुबे फरार कैसे हुआ और कानपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर फरीदाबाद कैसे पहुंच गया। कानपुर से लगभग 500 किलोमीटर दूर विकास दुबे फरीदाबाद कैसे पहुंच जाता है? कानपुर से लेकर फरीदाबाद तक कहीं किसी बॉर्डर पर पुलिस विकास दुबे को क्यों नहीं पकड़ पाती? क्या विकास दुबे अपना हुलिया बदल कर भाग रहा है, या फिर कोई है जो विकास दुबे की मदद कर रहा है? विकास दुबे तक पुलिस की पल पल की जानकारी पहुंचा रहा है, क्योंकि पुलिस के पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही विकास दुबे रफू चक्कर हो जाता है। अगर कोई ऐसा है तो ये बेहद चिंता की बात है। कार्रवाई व्यापक चल रही है, लेकिन हमारा मुख्य टारगेट जो है विकास दुबे है और हम लोग उसको ढूंढने के लिए लगे हैं और पूरे विभाग इसके लिए कृत संकल्प है कि जिस तरह से उसने पुलिस वालों की हत्या की है, हम उसको गिरफ्तार करेंगे और उसको सजा दिलाएंगे
और कानून की जितनी भी सख्त धाराएं हैं उस पर हम लगाएंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि जल्द से जल्द हम उसको अकाउंट फॉर करें। विकास दुबे के गुनाहों का अंजाम क्या होगा वो तो उसकी हिस्ट्री शीट से ही पता चल जाता है, लेकिन इन तस्वीरों को क्या कहेंगे जिसमें यूपी के मोस्ट वांटेड की जयकार हो रही है। एक अपराधी के लिए जाति के आधार पर ये जयकारा भी पुलिस के लिए कम चुनौती नहीं। ये जयकारा ही है जिसकी आड़ में विकास दुबे जैसे लोग तमाम अपराधों के बीच शरण लेते हैं और एक दिन पूरे सिस्टम और समाज के लिए खतरा बन जाते हैं, जैसा कि विकास दुबे के मामले में हुआ। विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी के लिए नारा लगाने वालों से पूछना चाहिए कि विकास दुबे के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का पालन करने गए डीएसपी देवेंद्र मिश्रा भी तो उसी जाति से ताल्लुक रखते थे, लेकिन विकास दुबे ने न सिर्फ उन्हें गोलियों से छलनी किया बल्कि कुल्हाड़ी से उनके पांव भी काट डाले। तो सोचिए आप कैसे शख्स को अपना हीरो बना रहे हैं। की बात मैं करता हूं कि अपराध की संस्कृति को इस तरह से सींचिएगा तो कुछ बचेगा नहीं, न समाज बचेगा, न देश बचेगा, न सूबा बचेगा। और जो समस्या बिहार की, उत्तर प्रदेश की, वही समस्या सब जगह है। हर जात का जो सबसे उदंड और सबसे जघन्य अपराध करने वाला जो घोषित अपराधी है, वो समाज का अगुआ कैसे हो जाएगा, नेता कैसे हो जाएगा? उसको हीरो बनाइएगा, उसको संरक्षण दीजिएगा, उसका सहयोग कीजिएगा, उसको शेर बोलिएगा, उसको उसके पीछे खड़ा होकर के उसका महिमा मंडन कीजिएगा, उसको फूलमाला पहनाइएगा और उसको हीरो बनाइएगा, तो बचेगा यह समाज। हर जात का आदमी अपने जात के सबसे खूंखार क्रिमिनल को कहे कि हमारे जात का शेर है, हीरो है, हमारा भगवान है, उसका जिंदाबाद करे, उसके पीछे अपनी पूरी ताकत लगा करके उसका महिमा मंडन करे, ये समाज बचेगा। हजारों जातियां, हजारों उपजातियां हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अगले पिछड़े, ठाकुर पंडित, हजारों जातियां उपजातियां हैं। कश्मीर में आतंकियों ने एक बेहद ही घिनौनी